हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड सॉफ्टेक इंडिया। दोस्तों, यदि अगर आपके फ़ोन का कीबोर्ड टाइप करते वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या हैंग हो जाता है, तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप कैसे इसे वापस ठीक कर सकते हो, एकदम फास्ट कर सकते हो, स्मूथली फिर वो वर्क करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं टेक सपोर्टेड इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि जब भी मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ मेरा कीबोर्ड कितना ज़्यादा स्लो वर्क करता है। देखिए, मैं टाइप करता हूँ यहाँ एंड आप देख सकते हैं ये करेक्टर कितने ज़्यादा स्लो हो जा रहे हैं, ये बार बार पॉपअप मल्टीपल शो होने लग रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे ठीक कैसे करोगे। आपको पहले अपने होम स्क्रीन पे आके फ़ोन का जो सिस्टम ऐप होता है इसको आपको ओपन कर लेना है, सिस्टम ऐप को, और यहाँ पर आपको ऐप बार में चला जाना है। जैसे ये तीसरे नंबर पर मेरा है जहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हमारे स्टोर होते हैं, ठीक है। और मैं इसको सी ऑल 70 ऐप्स पे क्लिक कर एक्सपेंड कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे आप ऑल ऐप्स ऊपर देख सकते हैं पहले से सेलेक्ट है, इसमें आपके सिस्टम के ऐप भी शो हो जाते हैं। यदि अगर ऐसा नहीं है तो आप ऑल ऐप्स पहले अनेबल कर लें, या सिस्टम ऐप शो का ऑप्शन आता है यहाँ पर तो आप उसको अनेबल कर लें, तभी आपको आपके सिस्टम का कीबोर्ड शो होएगा। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर जी की लिस्ट में मेरे को शो होगा, ये देख सकते हैं जी बोर्ड नाम से, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हमें करना क्या है, जो स्टोरेज बार है यहाँ पे हम आएंगे और इसे हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, इससे हमारा कीबोर्ड रीसेट हो जाएगा। हम सिंपली बस इसे रीसेट करेंगे और हमारा कीबोर्ड एकदम फास्ट वर्क करने लगेगा, लेकिन बाद में अगर फिर टाइप करोगे तो वो थोड़ा स्लो हो सकता है। तो इसके बाद मैं आपको क्लियर करने के बाद एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसको फास्ट परमानेंट कैसे रखोगे। पहले हम इसे क्लियर कैसे करते हैं, हमारे क्लियर कैसे हो, क्लियर स्टोरेज भी कर देते हैं, ठीक है। हमारा कीबोर्ड बिल्कुल एकदम रीसेट हो चुका है, न्यू जैसा हो चुका है। तो आप एक बार हम पहले कीबोर्ड को अपने ओपन कर लेते हैं, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, सर्च बार में आएंगे, हमारा कीबोर्ड यहाँ ओपन हो गया, ठीक है। अब हमारा जो आप देख सकते हैं गाइस एकदम फास्ट वर्क कर रहा है, कहीं भी अटक नहीं रहा है, ये आप देख सकते हैं। पर यह बाद में ज़रूर हैंग करेगा, अगर आप एक दो हफ्ते बाद दोबारा देखोगे तो ये अपने आप स्लो हो जाएगा। तो इसको परमानेंट कैसे ठीक करेंगे, ये जो बीच में गियर का ऑप्शन है हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे, ये हमारे कीबोर्ड की सेटिंग ओपन हो गई है, और यहाँ से बहुत सारे फंक्शन को हमें बंद करना है जो कि हमारे काम की नहीं है, और वो बार बार जिसके वजह से हमारा कीबोर्ड स्लो होता है, ठीक है। उन फंक्शन को हम बंद कर देंगे। सबसे पहले ऑटो करेक्शन तो हर किसी को बंद रखनी चाहिए, मैं अपने फ़ोन का ऑटो करेक्शन ये देख सकते हैं अनेबल है, इसको तो मैं बंद कर ही देता हूँ, इसे मैं हमेशा बंद कर देता हूँ। सो इमोजी सजेशन भी नहीं चाहिए मुझे, मैं ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड को हटा देता हूँ, नेक्स्ट वर्ड सजेशन हटा देता हूँ। इन सब की वजह से कीबोर्ड बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। आपको ये जितना ज़्यादा फंक्शन को बंद कर सकते हो कर देना, ऑटो कैपिटलाइजेशन भी बंद कर देना, ये डबल स्पेस पीरियड भी बंद कर दो, स्पेल चेक भी बंद कर दो, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर करके बंद कर देने हैं। ये तो कीबोर्ड का है, प्रेफरेंस में सो इमोजी की स्विच भी हमने बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस ये बंद कर दो, पॉप अप ऑन की प्रेस भी बंद कर दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसे आपको देख लेना है जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फंक्शन अगर आपको मिलते हैं उनको बंद कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन ये फालतू के हमारे ऑन है, अनेबल जेस्चर, जेस्चर तो यूज़ कोई करता भी नहीं है, ठीक है। ये सारे हमने बंद कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया, और अब हमारा कीबोर्ड हमेशा एकदम स्मूथली वर्क करेगा। आप कभी भी चला के देख लेना, ठीक है। मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने पॉपअप बंद करके इसलिए ऊपर हाईलाइट नहीं हो रही, बट ऊपर सब टाइप हो रहा है, अभी देख सकते हैं कितना फटाफट टाइप हो रहा है, ठीक है गाइस। ऐसे करके आप अपने कीबोर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई, कमेंट करके आप बताएं आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।